फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली अलवर, और अलवर में अपनी बाइक खड़ी करके वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा। आप देख सकते हैं मज़ा आएगा ट्रिप में। अजमेर जा रहा हूँ, जयपुर जाऊँगा। सो दोस्तों, मुझे ट्रेन मिली नहीं एक्चुअली, तो मैंने कहा चलो जाना तो है किसी भी तरीके से, तो मैंने बस ले ली है यहाँ से और अब बस से जा रहा हूँ। ये बेसिकली वॉल्वो है, ठीक है। ऊपर लोग सो रहे हैं और नीचे लोग बैठे हैं, जिनके पास जगह नहीं है वो बेचारे फर्श में बैठे हैं। तो अर्श से फर्श तक का सफ़र देखें आप मेरे साथ कैसा रहता है आज का। अजमेर जाएंगे, वहाँ पर दिखाता हूँ कैसा रहेगा मेरे साथ आप। और बहुत लो बजट में चल रहा हूँ मैं बेसिकली, तो मिलते हैं आपसे अजमेर में। अभी तो बस में है हम लोग फिलहाल। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अजमेर शरीफ, और आप देख सकते हैं कि इस टाइम अंधेरा है और टाइम हुआ है 3 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो यहां से 4 किलोमीटर है बस स्टैंड से। अब मैं बस चल रहा हूं, पहुंच रहा हूं कैसे तैसे पैदल पैदल। और ये बेसिकली जो ट्रिप है मैंने बहुत लो बजट में प्लान किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बाइक से आया था अलवर तक, और अलवर से फिर प्लान किया था ट्रेन लेने का, बट ट्रेन मिली नहीं, तो उसके बाद में मुझे आना पड़ा अपना बेसिकली बस से। और अब पैदल चल रहे हैं। मैं आया तो यहाँ पर किसी काम से था, और मैंने कहा चलो जब तक, क्योंकि 3 बज रहे हैं तो अजमेर शरीफ हो जाता हूँ और फिर शाम को मैं जाऊँगा अपने काम के सिलसिले में। कुछ है मुझे काम यहाँ पर, वो काम निपटा के, बेसिकली क्या है कि इंटरव्यू है उसके लिए आया हूँ, वो निपटा के फिर मैं निकल जाऊँगा वापस। कहते हैं कि एक जिन्नात वाली मस्जिद है, तो कोशिश करूँगा हो सका तो वहाँ रात को रुकूँ, बिकॉज कहते हैं रात को कोई रुकता नहीं। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है अजमेर शरीफ का, और बड़ा लाइटों से इसको सजा रखा है। रात का समय है, तो मुझे पहुंचते अराउंड मेरे ख्याल से 4 के करीब बज चुके हैं। अब ये अंदर का है पूरा नज़ारा, बहुत ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना कि जिस टाइम पे मैं पहुंचा हूँ ना, इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है इस जगह को कैप्चर करना भी। और ये देखिए कितना अच्छा है, मतलब यहाँ पर ये पत्थर वगैरह है, स्टोन्स वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें, अंगूठियाँ वगैरह। यहाँ बेसिकली वजू करते हैं और हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं। आप देख सकते हैं प्रसाद भी रखा हुआ है यहाँ पर, तो प्रसाद हम लोग बाद में खाएंगे, पहले हाथ पैर मुंह धो लेते हैं यहाँ पर। लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं, बैठे हुए हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, या कई ऐसे हैं बेचारे जिनके पास होटल के पैसे नहीं होते, वो इधर ही बैठते इधर ही सोते हैं। तो मतलब कैसे भी मेन श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आपकी जेब में पैसा कितना है, ये मैटर करता है आपकी श्रद्धा कितनी है। ये मस्जिद है, और इसके सामने आप देखेंगे तो ये जन्नत का दरवाज़ा है बेसिकली। यहाँ पर लोग मन्नतें मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं। हर कोई अपनी मन्नत मांग रहा है। ये मैंने भी चिट्ठी लगाई है, धागा बांधा है यहाँ पर,
दान तो कहीं पर भी देते हैं लोग, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मर्जी है। अभी बेसिकली ये खुला नहीं है गेट यहाँ पर, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ये मस्जिद में देख सकते हैं आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं यहीं पर ही वेट करूँगा अभी। बट बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह और बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात का समय है ये, मतलब सुबह 4 बज रहे हैं बेसिकली। लेडीज़ की मस्जिद है, यहाँ लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं। और लाइट आप देख सकते हो, झूमर कितना बढ़िया है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, अपना अपना दुआएं मांग रहे हैं ख्वाजा साहब से कि हमारी भी मन्नत पूरी हो जाए। मैं तो दुआ करता हूँ सबकी मन्नतें पूरी हो और मेरी मन्नत भी पूरी हो ख्वाजा साहब से, दुआ है मेरी। अब मैं चढ़ गया हूँ बिल्कुल ऊपर, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। बेसिकली बहुत बढ़िया व्यू है, लोग काफ़ी आ चुके हैं दरगाह में, अजमेर शरीफ में, तो यहाँ से पूरा व्यू अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा चलो यहाँ पर चढ़ के रिस्क लेके आप लोगों को दिखाऊं, बट अच्छा है काफ़ी, मतलब। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सैयद रियान चिश्ती। अच्छा सैयद जी, आप मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरे भाई, ये हुजूर गरीब नवाज का जन्नत का दरवाजा है। जब आप हयाती में थे, जब मौजूद थे ना यहाँ पे, जी जी जी, जब आप आए थे तो आप यहाँ छाया जाया करते थे। जी जी जी, इबादत करने के लिए मस्जिद में यहाँ छाया जाया करते थे, और गरीब नवाज का सबसे पहला गेट है ये। अच्छा अच्छा। और हुजूर गरीब नवाज का ये जन्नत का दरवाजा है, यहाँ की सबसे ज्यादा मान्यता है। अच्छा, गरीब नवाज के जन्नत के दरवाजे की जी। और जन्नत का दरवाजा इसलिए नाम पड़ा इसका, आप जब यहाँ पे आए थे हुजूर गरीब नवाज आपकी बारगाह में, तो यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया था आपको हुजूर गरीब नवाज को। जी जी। आपको आपके पीर की याद आई, सरकार दो आलम की याद आई, तो आपने उनके कदमों की ज़ियारत करी चौखट पे। अच्छा। तो आपने बोला जा मेरे सरकार के और मेरे पीर के कदम आ गए, वहाँ जन्नत आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसका नाम जन्नत का दरवाजा। उसी टाइम आपने वो फरमाया, जो दिल से तवाफ लगा था वो जन्नत में जाएगा हुजूर गरीब नवाज ने। जी। इसलिए जब से इसका नाम जन्नत का दरवाजा है, साल में 4 बार खुलता है, ये ईद में खुलता है जी, ईद की 6 तारीख में आपके पीर का उरास होता है जब खुलता है जी, बकरा ईद में खुलता है कुर्बानी वाले दिन, और ख्वाजा साहब के उसमें खुलता है रजब के महीने। अच्छा। एक रजब से 6 रजब तक खुला रहता है। जी जी जी। तो सामने बाबा फरीद साहब का चिल्ला है। अच्छा, बाबा फरीद साहब का चिल्ला है, इनका मजार पाकिस्तान में पाकपट्टन शरीफ के अंदर मजार है उनका। जी जी। उन्होंने वहाँ 12 साल बैठ के इबादत की है। अच्छा अच्छा। तो मुहर्रम भी 4 तारीख को खुलता है, 7 तारीख को बंद होता है। जी जी। ये शाहजहानी मस्जिद है, ये शाहजहाँ बादशाह ने बनाई है। अच्छा।
शाहजहां बादशाह की बनाई हुई मस्जिद है ये। जी जी जी। यहाँ हुजूर गरीब नवाज में सब राजा महाराजाओं की अकबरी मस्जिद उधर है, अकबर बादशाह ने बनाई है। अच्छा। संदली मस्जिद है, अल्तमश बादशाह ने बनाई है। जी। अकबर बादशाह ने बड़ी देख रखवाई, छोटी देख जहांगीर बादशाह ने रखवाई। जी जी। तो रामपुर के नवाब ने सोने का ताज चढ़ाया बाबा के दरबार में। अच्छा अच्छा। ताज है वो सोने का 80 मन का है। अच्छा अच्छा। तो बाबा के ताज जो चढ़ा हुआ है वो रामपुर के नवाब ने चढ़ाया तालिब अली चंगेज़ी ने। जी। वो जो वजू खाना है वो इंग्लैंड की महारानी ने बनाया है। अच्छा, तो इस तरफ वजू खाना है, इंग्लैंड की महारानी ने बनवाया है। सब राजा महाराजाओं की चीजें हैं, समझ लो बाबा के दरबार में राजा महाराजाओं को भी नवाजा है मेरे सरकार ने। जी, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया। तो अजमेर शरीफ के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आप? अजमेर शरीफ तो मेरे भाई, मेरे खाजा का दरबार तो ऐसा है, खाजा का दरबार अगर खाजा नहीं आता तो यहाँ तो कोई नहीं आता। जी जी जी। तो खाजा आया जब यहाँ पे आबादी हुई है। जी जी। तो मेरे खाजा के दरबार से तो सबको फेज मिलता है यहाँ। जी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है मेरे खाजा के दरबार में। जी जी जी। सब बराबर है, सबकी मान्यता एक ही है हुजूर गरीब नवाज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबको फेज मिलता है, सब गरीब नवाज से लेके जाते हैं, जो दिल से मांगने आता है उसको देते ही है मेरे खाजा। जी जी। यहाँ खाजा ने हिजड़े को भी औलाद दी है हुजूर गरीब नवाज ने। है, क्या बात है। हिजड़े अभी मांग के गया मेरे खाजा से, उसको भी औलाद मिली है यहाँ से मेरे खाजा के दरबार से। क्या बात है, क्या बात। यहाँ की मान्यता ऐसी है, दिल से मांगोगे तब मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिल से मांगो, दिल से मांगो तो क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है खाली उसी तरह मांगो। बिल्कुल। आपके बात करने से आप ये देख सकते मेरे हाथ में क्या हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे भाई। सच सच के अंदर तो ऐसा ही होता है मेरे भाई। जी जी। मतलब आप देख सकते हैं दरबार जो है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इनकी बात सुन के। मेरे सरकार ने तो सबको नवाजा मेरे भाई, यहाँ से गरीब नवाज ने तो गरीब नवाज के तो नाम में ही नवाज है। जी जी जी। तो नाम लेते ही नवाज मिलता है, गरीब नवाज के तो नाम में नवाज है मेरे सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरबार सबके लिए, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए। बाबा के दरबार में हर कौम आती है। जी। और जो फेस पाके ही जाती है बाबा के दरबार। तो ये कितना पुराना है? 850 साल होगा मेरे भाई। 850 साल। अच्छा। गरीब नवाज को यहाँ आए हुए 850 साल होगा। अच्छा, तो मतलब काफी पुराना। 815वां या 14वां अब आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप यहाँ पे 15-20-30 साल लिए हैं। जी जी जी। तो 850 करीब समथिंग हो चुका है यहाँ बाबा। काफी पुराना है मतलब ये। ये ताले वगैरह लगा रखे हैं? ताले हाजिरी वालों के, जिनमें भूत पलित वगैरह होता है वो लोग बांधते हैं। अच्छा अच्छा। मान्यता है। और ये धागे? धागे मुराद के होते हैं, जो मांगा जाता है, मुराद मांगी जाती है दरबारे खाजा से। जी। तो उसको मुराद मांगी जाती है, जब मुराद पूरी होती है तो यहाँ आके खोला जाता है, खोल के इधर डाला जाता है मेरे भाई। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिट्ठियां भी है और धागे भी बांधे गए हैं। फिर ये जन्नत का दरवाजा आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफी कुछ मतलब बताया हमारे व्यूअर्स को, शुक्रिया। हमारा तो काम ही यही है मेरे भाई, हम गरीब नवाज के गुलाम है, हमारी तो 10 पीढ़ियां हो गई है बाबा के दरबार में गुलामी करते करते। नहीं, आप सच में बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों को अच्छा गाइड करते हैं, सबसे बड़ी चीज है बिना किसी स्वार्थ के गाइड करने का हम लोगों का, बिना किसी स्वार्थ के सबसे बड़ी चीज है। कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब नवाज में वाले हमारे को बैठे हैं मेरे भाई। हमें पैसों का लालच नहीं है, हमारे खाजा का लालच है हमारे को तो। क्योंकि आज की दुनिया में लोग लालची बहुत है और पैसे के पीछे भाग रहे, बट आप फिर भी सेवा भी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। जाओ यहाँ से, बहुत अच्छी चीज है। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू। आपका दीदार हो जाए, मेरी किस्मत बने, इन सब का बेड़ा पार हो जाए। यार बात क्या तमन्ना है कि ख्वाजा आपका दीदार हो जाए, मेरी किस्मत बने, इन सब का बेड़ा पार हो जाए। है तेरी चौखट पे फैला है मेरी उम्मीद का दामन, है करम की एक नजर इंदल वली सरकार हो जाए। करम की एक नजर इंदल वली सरकार हो जाए। ख्वाजा ए ख्वाजगा एक नजर हो इधर, यार बात ख्वाजा ए ख्वाजगा एक नजर हो इधर, मेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। ख्वाजा ए ख्वाजगा एक नजर हो इधर, मेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। ख्वाजा ए ख्वाजगा एक नजर हो इधर, मेरा बिगड़ा मुकद्दर।